हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक स्मॉल कैप कंपनी IFGL रिफ्रैक्टरीज के डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये रिफ्रैक्टरी आइटम बनाने का ये कंपनी काम करती है, जो कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेसिकली जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो रिफ्रैक्टरी आइटम्स को बनाने का है। तो देखिए, काफ़ी छोटी ये कंपनी है, लगभग 1000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। और अगर हम डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करेंगे तो 3.44% का यहाँ पे कंपनी का डिविडेंड यील्ड है, यानी कि अभी लगभग 300 रुपये के लगभग ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो यानी कि 10-11 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे पर शेयर ये कंपनी देती है। तो देखिए, यहाँ पर अभी 14 के PE पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। तो देखा जाए तो इतना हैवी डिविडेंड है, तो यहाँ पे ज़्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन की उम्मीदें आपकी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए जो पी रेशियो का नंबर है वो हमें यहाँ पे कम नज़र आता है। अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करेंगे तो ये नंबर आता है 1.18 पे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इन दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कंपनी हमें काफ़ी अच्छी नज़र आती है। अब अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ टाइम से अगर हम देखेंगे तो 1920 में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थोड़े से कम हुए थे, बाकी हर साल हमें जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे एक साल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी, बाकी हर साल जो कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स हैं वो हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कंपनी का काफ़ी अट्रैक्टिव है, खास करके जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो यहाँ पे 72% के लगभग है। तो देखिए, यानी कि 100% में से 72% का होल्डिंग तो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास ही है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 11% का होल्डिंग यहाँ पे DIIs के पास है, यानी कि जो हमारे म्यूचुअल फंड या फिर जो इंश्योरेंस पार्टीज हैं उनके पास यहाँ पे ये होल्डिंग है, यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पे सिर्फ अराउंड 17% की होल्डिंग ही हमें नज़र आती है, क्योंकि इन दोनों की मिला के लगभग 83% की होल्डिंग है। यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है काफ़ी अट्रैक्टिव है, और खास करके एक छोटी कंपनी में DIIs का 11% का होल्डिंग होना ये हमें काफ़ी हमें अट्रैक्टिव करता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पर आपको लगेगा कि रेवेन्यू के नंबर्स थोड़े से कंपनी के कम हुए थे, लेकिन यहाँ पे इस क्वार्टर में हमने कोविड की सेकंड वेव देखी है। लेकिन जो कंपनी के अगर हम बात करेंगे, पहले कंपनी लॉस में थी, लेकिन फिर कंपनी का अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी की एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी हो गई थी, देखा जाए तो ये क्वार्टर भी कंपनी के लिए अच्छा रहा है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो बाद में 309 करोड़ का कंपनी का सेल्स का नंबर हो गया, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35 करोड़ के ये नंबर हमें बढ़ता हुआ नज़र आया, और एट डी एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हमें यहाँ पे 20 करोड़ की होती हुई नज़र आई। तो एट डी एंड देखा जाए तो पिछले 3 क्वार्टर्स का जो परफॉर्मेंस है वो कंपनी का हमें अच्छा देखने को यहाँ पे नज़र आता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, एक स्मॉल कैप कंपनी है तो यहाँ पर अगर हम रिटर्न रेशियोज की बात करेंगे तो उसके हिसाब से 7% का जो रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है, वैसे 20% का होना चाहिए, लेकिन जिस सिचुएशन में अभी कंपनी है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 7% का जो ROE है मेरे ख्याल से अच्छा है। अगर ROC के नंबर्स की बात करेंगे तो ये नंबर हमें लगभग 13.5% का देखने को मिलता है, तो ROC के नंबर्स भी हमें यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। अगर रिटर्न ऑन एसेट की बात करेंगे तो ये नंबर लगभग 5.5% का है, तो रिटर्न ऑन एसेट भी हमें यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है। तो रिटर्न रेशियोज आपको लगेंगे कि कंपनी के काफ़ी कम है, लेकिन देखिए यहाँ पर अभी रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के काफ़ी कम है। अगर एक अच्छी ग्रोथ रेवेन्यू के नंबर्स में होगी तो वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली कंपनी की इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए, 0.05 का यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी का नंबर है, और अगर हम जो कंपनी के डेट की अगर हम बात करेंगे तो अभी अराउंड 78 करोड़ का कंपनी का ऑन डेट कंपनी का डेट है। तो अगर देखा जाए तो कंपनी 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा रही है, तो 78 करोड़ का डेट है, तो उसके हिसाब से डेट का नंबर इज रीजनेबली गुड। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए 41 times का है, यानी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी कमा रही है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी कंपनी कमा रही है उसका 41 times, यानी कि जो इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है उसका 41 times कंपनी अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। तो यहाँ पे कंपनी की हमें सिचुएशन काफ़ी अच्छी नज़र आती है।
अब देखिए 290 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, अगर देखा जाए तो लगभग 439 का इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम वहाँ से कंपेयर करेंगे तो अराउंड 149 रुपीज़, इन परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे तो अराउंड 30% ये स्टॉक हमें अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्टिव है, और ऐसा नहीं है कि जो रिफ्रैक्टरी आइटम्स है कंपनी के वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो सकते हैं, यानी कि जो इनका यूसेज है जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के अंदर, तो उसका यूज काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ सकता है। तो मेरे ख्याल से एक कंजर्वेटिव या मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको जो भी काम करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ही करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर आप लॉस में, तो मेरे ख्याल से एवरेजिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए लगभग 30% स्टॉक गिर चुका है, तो मेरे ख्याल से जरूर यहाँ पे एवरेज करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, अपनी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे ग्रोथ है क्या इस इंडस्ट्री के अंदर, मुझे यहाँ पे ग्रोथ नज़र आती है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, देखिए शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे लगता है कि लगभग 350 रुपये तक ये 1 से 2 महीने तक ये स्टॉक जा सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि IFGL रिफ्रैक्टरीज के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।